बांग्लादेश की क्रिकेट टीम और बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस को मेरा यही मैसेज है, रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। क्योंकि रोहित का पुल, जयसवाल का जोश, विराट कोहली का रोर, केएल राहुल का T20 मोड और इंग्लैंड की बेसबॉल को टीम इंडिया की भारत बॉल का जवाब है। तो बेटा इंग्लैंड बेसबॉल करती रह गई और टीम इंडिया की भारत बॉल ने टेस्ट इतिहास में एज ए टीम सबसे तेज 50 रन मात्र 3 ओवर में, एज ए टीम सबसे तेज 100 रन 10.1 ओवर में, एज ए टीम सबसे तेज 150 रन 18.2 ओवर में, एज ए टीम सबसे तेज 200 रन 24.2 ओवर में, एज ए टीम सबसे तेज 250 रन 30.1 ओवर में बनाए और बेसबॉल का जो रोहर चल रहा था ना उसको टीम इंडिया की भारत बॉल ने जवाब दे दिया। अब आप सोचिए 2024 हमें क्या क्या दिखाएगा। विराट गौतम गंभीर की दोस्ती दिखा दी, केएल राहुल जो T20 क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट के खेलने के लिए जाने जाते हैं वो भाई साहब टेस्ट क्रिकेट में T20 की स्टाइल में बल्लेबाजी कर रहे हैं, 43 गेंदों में 68 रन बना के गए हैं। तो ये 2024 का जो दौर है ना ये कुछ अलग ही दिखा के जाएगा। परंतु रोहित शर्मा गौतम गंभीर की प्लानिंग को मैं सैल्यूट करूंगा। फर्स्ट दिन मात्र 35 ओवर का मैच होता है, 35 ओवर में बांग्लादेश की टीम 107 रन बनाती है, 3 विकेट गिरते हैं। दूसरा दिन पूरा का पूरा दिन बारिश की वजह से नहीं हो पाता है, एक भी गेंद नहीं डलती है। तीसरे दिन भी बारिश की वजह से एक भी गेंद नहीं डलती है। चौथा और पांचवा दिन बचा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि सेकेंड टेस्ट मैच का तो रिजल्ट पॉसिबल ही नहीं है, सेकेंड टेस्ट मैच तो ड्रॉ हो जाएगा। फिर आती है चौथे दिन टीम इंडिया गेंदबाजी करने के लिए और आते ही हर गेंदबाज आकाशदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन सब अपना काम बखूबी करके जाते हैं और बांग्लादेश की टीम को पहली इनिंग में 233 रन पे ऑल आउट कर देते हैं। फिर रोहित शर्मा भाई साहब आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जयसवाल के साथ ओपनिंग करते हैं। रोहित भाई बोलते हैं यार मैंने T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया ना, अब मैं टेस्ट क्रिकेट में भी T20 क्रिकेट वाली बल्लेबाजी करूंगा। और पहली गेंद पे आगे बढ़ के छक्का लगाया, दो बैक टू बैक गेंदों पे दो छक्के देखने को मिले, 11 गेंदों में 23 रन बनाया। जयसवाल का भी एक अग्रेसिव रूप देखने को मिला, जो पूरी की पूरी जो भारतीय बल्लेबाजी थी ना वो ऐसे नजर आ रही थी कि एक ही दिन के अंदर 500 रन मार देंगे। परंतु टीम इंडिया ने 34.4 ओवर बल्लेबाजी करी और 285 रन पे ही चौथे दिन डिक्लेयर कर दिया 9 विकेट के नुकसान पे। अभी तो मोहम्मद सिराज जैसे हमारे ऐसे बल्लेबाज की बल्लेबाजी आना बाकी था, अगर वो बल्लेबाजी करते तो 300 रन भी बन सकते थे। पर रोहित शर्मा भाई साहब ने बोला नहीं नहीं जरूरत ही नहीं है, अब मोहम्मद सिराज भाई अब की बल्लेबाजी आएगी, कभी ना कभी आएगी पर अभी नहीं आने वाली। फिर आती है बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए, चौथे दिन की समाप्ति पे ही बांग्लादेश के दो बल्लेबाजों को रविचंद्रन अश्विन खा के ले जाते हैं। पांचवा दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, 98 ओवर बाकी थे, हर कोई ये सोच के चल रहा था क्योंकि जो रिजल्ट था ना ड्रॉ वाला वो अभी भी ओपन था। बांग्लादेश की हार भी कन्फर्म थी, इंडिया की जीत भी कन्फर्म थी और ड्रॉ होना भी कन्फर्म था, परंतु इंडिया के गेंदबाजों पे डिपेंडेंसी थी कि कितनी जल्दी बांग्लादेश को ऑल आउट किया जाए। रोहित शर्मा भाई साहब ने भी बोल दिया मैं धूप में ज्यादा देर खड़ा नहीं रहूंगा, ये सब खत्म करो और जल्दी चलो। कि यार मुझसे धूप में ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहा जाता, इनको जल्दी से जल्दी ऑल आउट कर दीजिए। और पस सेशन के अंदर ही बांग्लादेश की टीम को ऑल आउट कर दिया, टीम इंडिया को 94 रन का टारगेट मिलता है। जयसवाल भाई साहब बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, 50 रन लगा के जाते हैं। विराट कोहली फर्स्ट टेस्ट मैच में पूरी तरीके से फ्लॉप होते हैं, सेकेंड टेस्ट मैच में पहली पारी में 47 रन बनाते हैं, दूसरी पारी में 29 रन बनाते हैं, परंतु विराट कोहली का 50 का अभी भी इंतजार है। नहीं नहीं कल पक्का पक्का कितना बजे? अरे नहीं मालूम कितने बजे, लेकिन कल दूंगा वो पक। अरे जाओ ना भाई काम करो ना अपना। और विराट कोहली के शतक का अभी भी इंतजार चल रहा है, परंतु ओवरऑल रविचंद्रन अश्विन इस टेस्ट मैच में एक इफेक्ट छोड़ के जाते हैं, 5 विकेट लेते हैं। जसप्रीत बुमराह को 6 विकेटें मिलती है, आकाशदीप सिंह को 4 विकेटें, जसप्रीत बुमराह 6 विकेटें मतलब आकाशदीप सिंह 4 विकेटें। स्पिनर फ्रेंडली कंडीशंस के अंदर दो गेंदबाज 10 विकेटें लेके चले जाते हैं, रविंद्र जडेजा को 4 विकेटें मिलती है और मात्र 173.2 ओवर के अंदर टीम इंडिया इस मुकाबले का रिजल्ट निकाल के रख देती है, जो रिजल्ट पॉसिबल नहीं था। चौथे दिन जब गेम शुरू हुआ हर किसी ने बोल दिया कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ होने वाला है, इस टेस्ट मैच का नतीजा नहीं निकल सकता, परंतु रोहित शर्मा और टीम इंडिया और गौतम गंभीर ने ठान लिया था क्योंकि WTC फाइनल 2025 में क्वालिफाई करना था, उसके लिए जीत जरूरी थी और 2-0 से बांग्लादेश को हरा के इंडिया ने WTC फाइनल 2025 की रेस में अभी टेबल टॉपर बनी हुई है 76.24 PCT के साथ। अब टीम इंडिया के पास बचे हुए हैं
8 टेस्ट मैच और इंडिया 8 में से अगर 4 टेस्ट मैच जीत जाती है ना तो WTC फाइनल 2025 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। तो 2024 विराट गंभीर की दोस्ती देख ली, विराट कोहली रोहित गौतम गंभीर की तारीफ कर रहे हैं, गौतम गंभीर विराट कोहली की तारीफ कर रहे हैं, दो दिन में एक टेस्ट मैच का नतीजा निकाल के रख दिया जहाँ पर हर कोई ये मान के चल रहा था कि नतीजा नहीं निकल सकता। वहीं रोहित शर्मा की फिटनेस, रोहित शर्मा ने लिटन दास का एक आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ के, जो लोग रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल उठाते थे ना उनको भी रोहित शर्मा ने जवाब दे दिया। तो पता नहीं ये 2024 क्या दिखाएगा, क्योंकि केएल राहुल टेस्ट क्रिकेट में T20 मोड में अगर बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, क्योंकि उनको T20 क्रिकेट से ड्रॉप क्यों किया गया है, क्योंकि वो T20 क्रिकेट में टेस्ट की तरह बल्लेबाजी करते हैं। 158 की स्ट्राइक रेट है उनकी कानपुर टेस्ट मैच में, इतनी स्ट्राइक रेट तो वो T20 क्रिकेट में नहीं रख पाते। तो आउटस्टैंडिंग जीत, ये जीत हमेशा याद रहेगी। और पिछले 13 सालों से टीम इंडिया अपने घर पे टेस्ट सीरीज नहीं हारी है, इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो दिलचस्प रही टीम इंडिया की ये जीत।